मित्रों, राजस्थान देव ऋषियों की धरती है। इस धरा पर अनेकों ऋषि मुनि हुए जिन्होंने जीव जंतुओं और मनुष्यों के हित के लिए कई कार्य किए, जिन ऋषि मुनियों को आज भी याद किया जाता है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है संत श्री 108 खेताराम जी महाराज का, जिन्होंने राजस्थान में पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया, जिसे बनाते ही श्राप के अनुसार उनके प्राण चले गए थे, जिसके बारे में अगर आपको स्पष्ट में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं खेताराम जी बावजी के चमत्कार की घटना, जिससे आप बहुत कम ही वाकिफ होंगे। इससे पहले अगर आप खेताराम जी बावजी के सच्चे भक्त हैं तो हमें कमेंट में जय खेताराम जी बावजी लिखकर जरूर भेजें। आपको बता दें कि जब खेताराम जी 9 साल के थे तब खेताराम जी बावजी बहुत ही नटखट स्वभाव के थे। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गांव में घुमा करते थे। वही लोगों के कुएं पर जाकर चुपके से आम व जामुन खाकर आ जाते थे। खेताराम जी बावजी के गांव खेड़ा में एक पागल आदमी था जो घर घर जाकर मांग कर खाता था, जिसे खेताराम जी बाबूजी के 9 से 10 साल के मित्र चढ़ाया करते थे। ये बात 9 साल की उम्र में बाबूजी को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी, तो खेताराम जी बाबूजी उस पागल के पास गए जो खाना खा रहा था। बाबूजी ने उसके साथ खाना खाया और उसे खिलाया भी, जिसके बाद वह व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो गया और बाबूजी के चरणों में गिर गया, जिसके बाद ये बात पूरे खेड़ा गांव को पता चल गई थी। आपको बता दें कि बाल्य अवस्था में ही लोग बाबूजी को मानने लग गए थे, जिसके बाद बाबूजी ने कई चमत्कार पे चमत्कार किए थे। क्या आपको बाबूजी के इस चमत्कारिक घटना का पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय रघुनाथ जी रिसा।